दोस्तों नमस्कार। आज हम ये जानेंगे कि डायरेक्ट मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग एग्जैक्टली है क्या। डायरेक्ट मार्केटिंग में या नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसको समझना जरूरी है, जैसे कि MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्लान्स रहते हैं, जैसे कि एक जनरेशन प्लान रहता है। जनरेशन प्लान का मतलब है कि आप विड्थ बनाइए और डेप्थ में जाइए। जब आप बिड बना रहे होते हैं तो आपका परसेंटेज कम रहता है कमीशन का, पर जैसे जैसे आप डेप्थ में जाने लगते हैं आपका परसेंटेज बढ़ने लगता है। तो क्या होता है कि जब आदमी नया जुड़ता है जनरेशन प्लान के अंदर तो उसको कमीशन कम मिलता है, पर जैसे जैसे वो मेहनत करता है और आगे बढ़ता है उसका कमीशन अकॉर्डिंगली बढ़ने लगता है। उसके बाद आता है बाइनरी प्लान। अब बाइनरी प्लान क्या है कि दो लेग्स रहती है, उनको मैच करना होता है, ए और बी। अभी ए लेग मान लो आपकी बहुत बड़ी बढ़ गई तो आपको जीरो इनकम रहती है, जब तक आप बी मैच करते नहीं तब तक। जब आप बी मैच कर लेते हैं तो जितना बिजनेस वॉल्यूम मैच करते हैं उतना बिजनेस वॉल्यूम पे आपको कमीशन मिलता है। उसके बाद रहता है पार्टी प्लान्स, जो लेडीज हैं किटी पार्टी वगैरह करती हैं, उसमें कुछ प्लास्टिक के या ब्यूटी के प्रोडक्ट्स उसमें बेचती हैं, वहाँ वो मेंबर्स भी बना लेती हैं। तो उसके बाद आता है अपना मनी सर्कुलेशन, जिसको NBFC बोलते थे, नॉन बैंकिंग फाइनेंस। पर एग्जैक्टली ये कंसेप्ट ज़्यादा चला तो बहुत, पर ये कंसेप्ट में बहुत प्रॉब्लम्स थे जिसके कारण बहुत सारे लोग इसमें ट्रबल में आ गए। तो इसलिए ये कंसेप्ट आजकल इलीगल माना जाता है, इसलिए इस कंसेप्ट पे तो बिल्कुल देखना भी नहीं है। और उसके बाद क्रिप्टो करेंसी करके आया, जैसे डिजिटल करेंसी है, वो भी बढ़ती चली जाती है। अब इन दोनों चीज़ों में क्या होता है कि दोनों चीज़ों में एक प्रॉब्लम है इसमें NBFC या क्रिप्टो करेंसी के अंदर, कि आप किसी ना किसी के जेब का पैसा निकाल लेते हो। तो जिसका पैसा आप निकालते हो उसका नुकसान होता है और आपका फायदा होता है। तो ये कंसेप्ट मेरे को कभी भी पसंद नहीं आया, इसलिए मैं कभी भी इसके प्लान देखे मैंने, पर मैं कभी भी इस कंसेप्ट में गया नहीं। उसके बाद ऑनलाइन सेलिंग है, वो नॉर्मल है, आपको मालूम है Amazon है, ऐसे बहुत सारी Flipkart है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन सेलिंग करती हैं। वो आप सीधा ऑर्डर करते हो, कंपनी डिलीवरी आपके घर पे देती है उसका प्रोडक्ट का, उसमें आपको ऐसा कुछ कमीशन या कुछ नहीं मिलता, वो डायरेक्ट मार्केटिंग है, वो ऑनलाइन मार्केटिंग होता है, ऑनलाइन सेलिंग होता है। उसके बाद आता है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग जो है एक्चुअल कंसेप्ट है जो बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए, जिसके अंदर कंज्यूमर को क्या मिलना चाहिए, कंज्यूमर को कितना फायदा होना चाहिए, उसके ऊपर है। अभी मैं इन सभी कंसेप्ट में से MLM में रहा हूँ बहुत देर तक, जनरेशन प्लान में भी रहा हूँ और बाइनरी प्रैमलम में करीब 23 ईयर्स का मेरा टोटल एक्सपीरियंस है कि मैं इसमें बहुत काम किया है, बहुत सीखा हूँ इसमें, और बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों के साथ काम किया है, नामचीन कंपनियाँ जो वर्ल्ड की हैं उनके साथ भी काम किया है, और ज़्यादा नहीं, 2 या 3 कंपनियों के साथ ही काम किया है, मैंने ज़्यादा कंपनियों का काम नहीं किया है इसके अंदर के ऊपर। मेरे को ये समझ में आ गया कि यहाँ पे सीखने को तो बहुत है, पर क्या हुआ, हमने सीखा भी बहुत, पैसा भी बहुत कमाया, पैसा बहुत आया, पर पैसा कहाँ गया आज भी हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि खर्चा उससे कई गुना ज़्यादा हो गया। तो पैसा नहीं कमाया ऐसा नहीं है, पैसा है। MLM इज अ बेस्ट कंसेप्ट, फ्यूचर जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग ही होने वाला है, पूरे देश के अंदर क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर, और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और इसलिए मैं MLM में काम तो कर रहा, पैसा भी कमाया, पर गया कहाँ है ढूंढने के लिए, मैं प्रॉब्लम हो गया मेरे को, तो मैंने वो कंसेप्ट से संन्यास ले लिया था। एट द एज ऑफ 56 मैंने उसमें संन्यास ले लिया था कि अब मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा टाइम इसके अंदर चला गया, पर मेरे को जो चाहिए था फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी, भले कि जब तक आ हो तब तक भी पैसा आए और जब ना आ रहा हो तब भी पैसा आपके घर में आता, वो मेरे को यहाँ पे मिला नहीं। इसलिए मैंने कुछ और कंसेप्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो फिर मेरे को सामने आया कृष्णा बिजनेस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का प्लान, जो है एग्जैक्टली डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग मतलब कि वो कंसेप्ट इतना मेरे को कैच कर गया कि उस कंसेप्ट के अंदर मैंने जैसे ही समझा इसको तो मैं इसमें एकदम काम करने के लिए तैयार हो गया। इसमें क्या रहता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, इसमें जो डायरेक्ट सेलिंग है वो कृष्णा बिजनेस का, मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट बनता है और डायरेक्ट प्रोडक्ट चला जाता है कंज्यूमर के पास। अब मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट बना और कंज्यूमर के पास गया तो बीच में पहले जाने के लिए बहुत सारी लोग थे, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या स्टॉकिस्ट हैं या डीलर है, रिटेलर है, उन सब का कमीशन, और सबसे ज़्यादा उसमें एडवर्टाइजिंग है, जो एडवर्टाइजिंग होती है जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, वो सब पैसा जो है बर्डन किसके ऊपर आता है, कंज्यूमर के ऊपर आता है, प्रोडक्ट के ऊपर, तो प्रोडक्ट में सारा इंक्लूडेड है। तो कंज्यूमर इतना सारा पैसा, एडवर्टाइजिंग का पैसा और उसके बीच के चैनल का पैसा पूरा जो पे करता है वो कंज्यूमर पे करता था।
तो हमने क्या किया, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट लिया और अपना ही एक मार्केटिंग कंपनी बना के वहां से लॉजिस्टिक मेंटेन करके हम लोग पहुंच गए कंज्यूमर के पास। तो पहली बात तो है कि प्रोडक्ट सस्ता होना चाहिए, बात बिल्कुल सही है, प्रोडक्ट की कीमत भी कम हुई। और दूसरा क्या हुआ, प्रोडक्ट को जो हमने दिया उसको डिस्काउंट पे देना शुरू कर दिया। तो मान लो जो प्रोडक्ट मिल रहा है कंज्यूमर को वो मार्केट का जो एमआरपी रेट रहता है उससे कम रेट पे मिलने लगा, पर एक ही कंडीशन थी कि कुछ पैकेज उसको खरीदना है, जैसे कि 5 किलो या 10 किलो लेना है। तो इस तरीके से क्या हुआ, वो प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास डिस्काउंट पे जाने लगा। अभी प्रोडक्ट जब पसंद आ गया, लोगों को प्रोडक्ट जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड था, प्रोडक्ट के रिजल्ट आने लगे, तो प्रोडक्ट का रिजल्ट आया, प्रोडक्ट प्रमोट कैसे होगा। अभी प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो पर प्रोडक्ट के अंदर दो प्रॉब्लम पक्का रहती है, ना तो प्रोडक्ट हमारा बोल सकता है, ना हमारा प्रोडक्ट चल सकता है। और इसको बोलने और चलाने के लिए कोई ना कोई तो लगेगा, तो उसके लिए हमारे प्रमोटर लगते हैं, मतलब कि जो इसके हम जिनको हम बोलते हैं डीलर्स बनाते हैं, उनको हम प्रमोट करते हैं, वो भी एक टारगेट के बाद हम उनको प्रमोट कर देते हैं तो वो डीलर बन जाते हैं। अब डीलर बन जाते हैं, जब वो प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं तो उनके नीचे जितने डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो जितने भी बनाते हैं वो डिस्काउंट में प्रोडक्ट लेते हैं और इनको उसका थोड़ा बहुत कमीशन आता है। ये तो आप मानोगे कि कोई भी प्रमोट करेगा तो भूखे पेट क्रांति तो करेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो पैसा मिलना चाहिए। तो जितना पैसा हम बीच में अलग चैनल को दे रहे थे वो चैनल में हमने डिलीवर डिवाइड कर दिया अपने ही कस्टमर को, उन्हीं को ही डिस्काउंट दिलवा के फिर उन्हीं को ही अगर वो प्रमोट करते तो उन्हीं को कमीशन मिलना शुरू हो गया। और धीरे धीरे उसके डिस्ट्रीब्यूटर का अकाउंट जैसे बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे उसको इसके ऊपर कमीशन भी बढ़ता चला जाता है। तो ये कंसेप्ट जो है ये कृष्णा बिजनेस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है। तो चलिए, अगर आप सही में चाहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको चाहिए, मतलब आप जब तक हैं तब तक भी पैसा रहे और जाने के बाद आपके घर में पैसा आता रहे, तो जो मेरे साथ हो रहा है आज, जो मैं पूरे 23 साल MLM कंपनियों में ढूंढता रहा जो मेरे को नहीं मिला, मेरे को यहाँ पे वो 1 साल में मिल गया, फाइनेंशियली फ्री एंड फाइनेंशियल सिक्योर। अगर आप चाहते हैं तो चलिए आइए हमारे साथ, ज्वाइन करिए कृष्णा बिजनेस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड और यहाँ के प्रोडक्ट प्रमोट करिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।